जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवम कुमार। अभी जो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे वह गांधी स्टेडियम का। यहां पर कभी आदमी बैठकर जितना भी यहां पर कार्यक्रम होता था उसको देखकर आनंद लेते थे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक तस्वीर और दिखाएँगे कि यहाँ पर किस प्रकार का कचरा है। देखिए, सब कचरा जूम करके दिखाइए, सहयोगी से कहना चाहेंगे, कचरा देखिए किस तरह सा फैला हुआ है। अगर एसपी हो, डीएम हो, डीडीसी हो, कलेक्ट्रेट हो, कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे सिविल सर्जन का है न हो, चाहे बेगूसराय के विधायक, मंत्री, सभी अपना गाड़ी को अच्छे से पोछते हैं और गाड़ी के अंदर जो सीट होता है ना उसको भी रुमाल से नहीं, तौलिया से पोछते हैं। तो क्या ये यहाँ पोछने का जगह नहीं है? यहाँ बैठने का जगह नहीं है? यहाँ पर बच्चा हज़ारों की संख्या में आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, शाम में फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, सारे जो खेल होते हैं खेलते हैं। तो क्या बैठने का भी यहाँ पर उनको अधिकार नहीं है? बैठने का अधिकार नहीं है तो हम अधिकार दिलाएंगे उनको। और हमारे साथ दो लोग हैं, आइए उनसे भी हम जानते हैं कि यहाँ के हैं या कहीं दूर से आए हैं। आपका घर कहाँ हुआ सर पहले? मेरा नाम हुआ गालिबुल इस्लाम। हाँ। मैं महापौर का उम्मीदवारी नहीं, अभी हम उम्मीदवारी पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सुनिए पहले मेरी बात। मेरी ये बात हुई थी, संजय जी से भी बात हुई थी। हाँ। जो मेयर रह चुके हैं, भावी मेयर रह चुके हैं वो, और पहले भी वो, किस चीज़ पर बात हुई थी? इसी टॉपिक पे बात हुई है कि ये जो जीर्ण शीर्ण हालत में जो गांधी मैदान है, गांधी मैदान के जीर्ण शीर्ण हालत की जिम्मेदार कौन है? ये एके रथ साहब के टाइम में ये बना है, ये डीएम। हाँ। एके रथ थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, रामेश्वर सिंह थे उस समय डीएम। जी। हाँ। तो उन्होंने इसको बनवाया था, उसके बाद किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने अभी तक इसके ऊपर मतलब के जिसको प्यार भरी नजर किसी ने नहीं दिया, कुछ मरम्मत नहीं, कोई मरम्मत नहीं हुआ है, कोई भी इस तरीके का काम नहीं हुआ। ये मंच भी जो बना है मेरे ख्याल से ये आईओसी रिफाइनरी के सौजन्य से ये बना था, आईओसी ने इसको ये किया था। और इसका डीपीआर संजय जी बता रहे थे कि डीपीआर इसका पास हुआ था 7.5 करोड़ का। एक बार हमारी ऐसे ही शिष्टाचार भेंट हुई थी गांधी स्टेडियम में ही। मैं भी क्रिकेटर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि विदेश सुरेश के कहने पे मैं वहां पे पहुंचा था, प्रेम वगैरह ने बुलाया था तो मैं पहुंचा था। तो मतलब कि मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 7.5 करोड़ का डीपीआर था और वो बन करके रह गया, वो आगे वो यानी यहाँ पे उलाव के स्टेडियम का था और यहाँ के स्टेडियम का था। तो ये हालत है कि काम करने की इच्छा शक्ति लोगों में उस तरीके से नहीं है। डीपीआर भी बना, उसके बाद भी काम नहीं हुआ, तो दुर्भाग्य है। संजय जी ने कुछ मजबूरी बताई, उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, कुछ और मतलब के लोग भी आ गए हैं। हम डीपीआर पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए हमारे साथ एक मिनट के लिए आइए, कि हम उस तस्वीर को दिखाना चाहते हैं बेगूसराय जिलेवासियों को। जो बेगूसराय जिलेवासियों देखना चाह रहे हैं उस तस्वीर को, वो रात से गिरा हुआ है, जनवरी अभी 15 अगस्त अभी हुआ है। हाँ। और ये मतलब आप देख रहे होंगे, ये पूरा जो ये आप जो दीवार देख रहे हैं, इस दीवार में लोहे की जाली लगी हुई थी, जैसे ये गेट का जाली है वैसे ही जाली लगा हुआ था। वो सारा जाली खुल करके कहाँ चला गया, उसका कोई जिम्मेदार नहीं, वो उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं। और ये हाँ जी हाँ। ये गांधी स्टेडियम का ये गेट जो टूटी हालत में था, इसको मतलब के प्रथम दृष्टिया जिसकी भी नज़र पड़नी थी, उसको प्रशासनिक पदाधिकारी की या जिनकी भी नज़र पड़नी थी, समाज सेवी की, वो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर फेसबुक पे डाला भी था, तो इस पर नज़र गया है लोगों का, तो इसको बनना चाहिए था और इसका मरम्मत हो जाना चाहिए था कम से कम। अगर पूरा मरम्मत होगी, मरम्मत हम कराने के लिए यहाँ लगातार लगे हुए रहेंगे। नहीं, हम बच्चे उस पे झूलते थे, टूटा हुआ था। हाँ। कई बार मैंने बच्चों को भगाया है, कई बार और लड़कों से भगवाया है, ये बच्चे झूलते थे उसके ऊपर, छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता कि टूटा हुआ है ये है, जब गिर जाता है ये तो अच्छी बात है कि चलो भाई कम से कम किसी बच्चे पे नहीं गिरा, कोई दुर्घटना नहीं घटी, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। नहीं तो फिर मंत्री जी आते हैं, फिर विधायक जी आते हैं, फिर सांसद जी आते हैं यहाँ पर, फिर वो गेट हटाने के लिए थोड़ा राजनीतिक होता, बिल्कुल बिल्कुल रोड जाम होती, बिल्कुल जैसे आपने कल देखे थे मर्डर जो हुआ था उसमें। हाँ, उसमें तो हम ये कहना चाह रहे हैं ये कब तक हट जाएगी, क्या लगता है, आज भी 24 घंटा पूर जाएगी या उससे पहले हट सकती है? देखिए अभी तक ये आप देख रहे हैं इसकी हालत, रोड पे वो उसका जो गिरा हुआ है तो आधा से बेसी वो रोड पे है। हाँ।
ठीक है। और अभी भी आपने कहा कि BDO साहब जा रहे थे या SDO साहब जा रहे थे या कोई भी पदाधिकारी जा रहे थे, तो उनका भी नज़र पड़ा, उनकी भी नज़र पड़ी होगी। तो मतलब अगर कोई आम पब्लिक अगर इसको हटाने की कोशिश करता है या कोई तरह का ये करता है तो बहुत तरीके की बात हो सकती है, कोई क्लेम हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। इसलिए कोई इसको मतलब के छू नहीं रहा है। अच्छा, रहा कि यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, वो लोग भी चाहते वो भी हटा सकते थे, लेकिन वो लोग भी नहीं, भारी भी है ये। तो जो जिनकी ये जिनका ये कार्य क्षेत्र है, जिनके इसमें जिनका जिनका बनता है कर्तव्य, उनको चाहिए था कि इसको प्रथम दृष्टिया में इसको देख करके हटाना। चलिए, हमारे साथ थे यहाँ के ही स्थानीय लोग, थे क्रिकेटर थे, तो इन्होंने बताया कि लग सकता है थोड़ा देर में हट जाएगा। शायद BDO साहब इधर से गए, CEO साहब गए या कोई भी पदाधिकारी है, को यह कहना चाहता हूँ और यह दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो तस्वीर है वह गेट यहाँ पर ढह गया है, गिर गया है रात में, और इसको जल्द से जल्द हो सके तो यहाँ से हटवाइए। यहाँ पर जितना तस्वीर आप देख रहे थे, एक बार और तस्वीर आप घुमा के दिखाइए, जितना भी तस्वीर दिखा रहे थे, जो तस्वीर है यहाँ पर पूरा कचरा लगा हुआ है, टूटा हुआ है, इसको भी मरम्मत कराइए। सिर्फ कागज़ पर करने से नहीं होगा, सिर्फ जिला में रहने से नहीं होगा, ठीक है।